हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। विभवमापी के अनुप्रयोगों में अपना नेक्स्ट है कि विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। मतलब क्या हुआ कि अपन पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और कोई स्मॉल रेजिस्टेंस है उसको की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेकर अपन कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कि अब कोई भी अल्प प्रतिरोध कुछ भी हो सकता था। अपन कहते हैं भाई माना अल्प प्रतिरोध का अपन पहले मान लेते हैं, माना कि किसी अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कि अपन कह रहे हैं कोई स्मॉल आर अल्प प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अतः अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर को एक ज्ञात अधिक मान के प्रतिरोध कैपिटल आर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, हमें कहे माना किसी अल्प प्रतिरोध कोई स्मॉल आर है जिसका अपने को ज्ञात करना है। इसको अपन क्या कर रहे हैं कि एक अन्य ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अच्छा, जोड़ने के लिए परिपथ क्या होगा, अब परिपथ बनाएं। परिपथ, अब आपको ये चीज ये पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट टाइम से बता रहा हूं कि प्राइमरी सर्किट फिक्स होता है विभवमापी का, प्राथमिक परिपथ तो फिक्स ही रहना है। तो प्राथमिक परिपथ में बैटरी के माइनस वाले सिरे से कुंजी के आगे धारा नियंत्रक, ये चीजें तो फिक्स है भाई प्राइमरी परिपथ। ठीक है, और ऐसे इधर से आकर ये दो पॉइंट हो गए जिनके बीच में अपना होता है ए और बी, जो क्या है विभवमापी का तार है ये। तो इसको आर एस दे दें धारा नियंत्रक को, कुंजी को कोई के वन दे दें, और ये प्लस माइनस प्राइमरी सर्किट वाले बैटरी को नाम दे दिया कोई ईपी। ये तो फिक्स होना है, चाहे आप पोटेंशियोमीटर का यूज करके कुछ कोई ऐसा भी आप अनुप्रयोग करें, आपका प्राइमरी सर्किट तो परमानेंट है। दूसरा, अब अपन इसमें क्या कह रहे हैं कि अपन करें कि इसके को के अंदर एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे अपने कैपिटल आर, ये ज्ञात प्रतिरोध है, इसके श्रेणी क्रम में आपने अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर जोड़ दिया। ठीक है, पहली बात। अब देखो कहानी क्या है आगे, यहां पर अपने एक दूसरे द्वितीय परिपथ में एक बैटरी और जोड़ते हैं, ये द्वितीय परिपथ की दूसरी बैटरी हो गई, इसको प्लस माइनस इसका नाम दे दिया कोई ई, यहां पर कोई सेकेंडरी कुंजी जोड़ दी K2, और यहां पर अपन फिर कोई धारा नियंत्रक जोड़ दें, इसका नाम दे दिया RH2। ठीक, तो ये काम हो गया। अब देखो कहानी क्या हुआ, ये आपका थी, तो यहां पर एक बिंदु बन गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या बनेगा, इनके यहां से इनके बीच में से एक पॉइंट लेके एक यहां पर बिंदु बनाते हैं दो। ठीक है, और यही बिंदु इस धारा नियंत्रक से ऐसे जुड़ता है, इन दोनों के बीच में एक तीसरा बिंदु होता है जिसके के साथ किसको जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर, जो आगे जाके यहां कहीं जे से जुड़ जाता है। इसका नामकरण कर दें अपन द्विमार्गी कुंजी, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, और बीच वाले को क्या मान लिया जेड, ये एक्स वाई जेड। देख लो आप दोबारा, अपने को करना क्या है, विभवमापी का यूज करना है और कोई अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर को ज्ञात करना है। अब इसके लिए आवश्यक सर्किट देख लो आप, हमने कहा कि प्राथमिक परिपथ तो फिक्स रहना है, तो प्राथमिक परिपथ तो फिक्स हो गया, धारा नियंत्रक कुंजी और बैटरी।
फिर हमने कहा कि जिस प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे अपन किसी ज्ञात प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो अपने इन दोनों को देखो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक। फिर एक द्वितीय परिपथ में सेल चाहिए, सेल का प्लस तो सारे एक जगह आने ही होते हैं, तो ए पर इसका प्लस जुड़ गया, माइनस है उसमें कुंजी और धारा नियंत्रक आकर ये द्विमार्गी कुंजी कोई एक्स जेड वाई से जोड़ दिया इसको, ठीक है। और आप भी जानते हो द्विमार्गी कुंजी के बीच वाले सिरे से क्या जुड़ता है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर आगे जाके किससे जुड़ गया, झुक्की से। ये इसका परिपथ है, किसका, कि विभवमापी का यूज करते हुए आप स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो। देखो ध्यान रखिएगा, सर्किट को आपको याद रखने के लिए दो तीन बार एक बार बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत चीजें वही हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है सर्किट में, कि जो अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे जब से अपन कह रहे हैं कि प्लस सारे एक जगह आए गए, प्राइमरी सर्किट फिक्स है, द्विमार्गी कुंजी के बीच वाले से क्या जुड़ता है हमेशा गैल्वेनोमीटर, तो कोई नई चीजें कोई नहीं मिलती, पर छोटी मोटी चीजें चेंज होती है, बाकी एक सर्किट लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो ये इसका परिपथ होता। अब अपन इसको देखेंगे भाई काम कैसे करता है, कार्य विधि वर्किंग कैसे होगी, कैसे अपन इस अल्प रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अपन कार्य विधि की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही बात, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करो, तो लिखेंगे प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ, परिपथ की कुंजी K1 में डॉट, K1 में डॉट लगाकर, लगाकर, लगाकर प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। पहला काम तो यही होता है भाई हमेशा ही, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, को पूर्ण करते हैं, ठीक है। ये तो परमानेंट काम है कि प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, ठीक है, करते हैं। तथा तथा जोकी की सहायता से, तथा जे जोकी की सहायता से, की सहायता से, सहायता से तार ए बी पर कोई संतुलन लंबाई, ठीक है। अब देखो पर तार ए बी पर कोई संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई L1, कोई संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करने के लिए, करने हेतु द्वितीय परिपथ, द्वितीय परिपथ, परिपथ की द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के सिरे, के सिरे एक्स जेड में डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने क्या किया, एक तो प्राइमरी सर्किट कंप्लीट किया और दूसरा सेकेंडरी सर्किट में डॉट किस में लगाया, एक्स और जेड इनके बीच में डॉट लगा देंगे। और अपन क्या करें, इस जोकी की सहायता से तार ए बी पर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे, इस स्थिति में, इस स्थिति में प्रतिरोध कैपिटल R से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक। कैसे हुई, देखो आप यहां से, देखो आप, आपने ये कुंजी लगा ली, तो देखो यहां से करंट आई, तो ये करंट इसमें से जाते हुए ऐसे कुंजी में से, इनमें से फ्लो होते हुए ऐसे। तो आप जैसे एक्स जेड कुंजी लगाएंगे तो आपकी जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई L1 प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन आपकी करंट है वो इस प्रतिरोध कैपिटल R में से भी फ्लो होगी, कैपिटल R में से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, R में से भी धारा प्रवाहित होती है, अतः इसके सिरों पर उत्पन्न, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर,
वी, क्या होगा वी बराबर क्या होगा आई इंटू आर, और वैसे वी बराबर क्या होगा एक्स इंटू एल वन, विभव प्रवणता इंटू संतुलन लंबाई। ठीक है, दोबारा समझ लो अपन ने क्या किया। अपने आगे सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करेंगे, मतलब कुंजी के वन में डॉट लगा देंगे, साथ ही सेकेंडरी परिपथ में एक्स जेड, सेकेंडरी परिपथ में एक्स जेड के बीच में डॉट लगाकर अपन क्या करते हैं, जो कि जे के सहायता से इस पर कोई संतुलन लंबाई एल वन प्राप्त करेंगे। जब आप एक्स जेड के बीच में डॉट लगाते हैं तो उस कंडीशन में करंट आपके इस कैपिटल आर में से प्रवाहित होते हुए जाती है। ठीक है, तब इसमें से प्रवाहित होते हुए जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके शुरू मतलब इसके शुरू पर विभांतर होगा, वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी V बराबर एक्स गुना एल वन। एक्स कौन है विभव प्रवणता, एल वन कौन है संतुलन लंबाई। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से V बराबर क्या होगा आई गुणा आर, अतः आई गुणा आर इज इक्वल टू आई गुणा सॉरी एक्स गुणा एल वन, ये आपकी इक्वेशन। हमने कह दिया कि ओम का नियम और यूज कर लो, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ओम के नियम से क्या होगा V इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर, और अपना वैसे वोल्टेज की वैल्यू क्या है पोटेंशियोमीटर से एक्स गुणा एल वन, तो आप भी जानते हो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी बराबर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे द्विमार्गी कुंजी की डॉट है वो यहां से निकाल के दूसरे वाले सिरे में लगा देंगे, तो अपन कहेंगे अब लिखेंगे अब देखो अब द्विमार्गी, द्विमार्गी कुंजी की डॉट, की डॉट निकालकर, निकालकर निकालकर वाई जेड के मध्य, के मध्य लगा देते हैं, लगा देते हैं। ठीक भाई, द्विमार्गी कुंजी में पहले वाला आपने एक्स जेड में से लगाकर तो अपन ने ये सभी कर याद कर लिया, हमने कहा वहां से निकाल के किस में लगा देंगे अपन वाई जेड के मध्य लगा देते हैं, तथा तथा जो की सहायता, की सहायता से, तथा जोकी की सहायता से पुनः पुनः संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई लंबाई L2 प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे अपन ये वाली डॉट लगाएंगे तो आप देखिएगा एक मिनट, एक सर्किट देखो, अपन ने क्या कहा कि अब की बार डॉट किसके बीच में से लगा रहे हैं एक्स जेड और वाई के बीच में, जब ये डॉट लगाओगे तो देखो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा, तो अपन प्राप्त करते हैं आप तो नीचे लिखते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा में प्रतिरोध कैपिटल आर व स्मॉल आर के श्रेणी क्रम, के श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों पर, के सिरों पर उत्पन्न विभांतर, सिरों पर उत्पन्न विभांतर तर वीडेस चेंज कर ले है तो क्या होगा वीडेस इज इक्वल टू होगा एक्स गुणा एल टू, भाई वीडेस इज इक्वल टू तो ये होगा ना एक्स गुणा एल टू,
और वही चीज ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, वी डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अतः अतः आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्स गुणा एल टू, ये आपके ओम के नियम से आ गया, ठीक है। अब देखो आप इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया, तो अब अपना उद्देश्य क्या था, अपन कर किसके लिए, अपना मुख्य उद्देश्य है कि अपन स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, स्मॉल आर की। तो अपन नीचे लिख दिया भाई समीकरण सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, दो में एक का भाग दो, देखो आप एक्स एल टू अपॉन एक्स एल वन बराबर आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आई इंटू कैपिटल आर। तो देखो x से x कैंसिल, i से i कैंसिल, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, देखो अपने पास आ गया l2 अपॉन l1 इज इक्वल टू कैपिटल r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r, या इसको और सोल्व करें तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा l2 माइनस l1 अपॉन l1 इंटू r। अब देखो आपके पास जो स्मॉल r का जो समीकरण है इसमें आपके पास सारे नोन है, L2 आपने ज्ञात किया है, L2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है, L1 आपने कैलकुलेट किया है, और जो भी आप नोन रेजिस्टेंस है R उसको आप लेंगे लेंगे, तो ये सारे नोन है, तो आप प्रैक्टिकली आसानी के साथ इस पे वैल्यू पुट करके इसका निकाल, तो हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूफ भी हो गया और आप प्रैक्टिकली आप चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। मोटी मोटी बातें आपको मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, सर्किट आपको रिमेम्बर करना बहुत आसान है, देखो सर्किट हुआ तो सारा काम ही हो जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट फिक्स है, प्राइमरी सर्किट बना लो आप, ये प्राइमरी यहाँ तक का आपने प्राइमरी सर्किट बना लिया, ये ऊपर वाला प्राइमरी हो गया, क्या हुआ बैटरी कुंजी रियोस्टेट और आपका एपी से जुड़ गया। सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या जुड़ेगा, इसमें हमने कहा कि एक स्मॉल आर जोड़ना है जिसका अपने नाम मान ज्ञात करना है, उसको अपन क्या करेंगे किसी ज्ञात कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये लो भाई कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। फिर द्वितीय परिपथ में एक सेल तो जोड़ना ही पड़ेगा, भाई वर्किंग करनी है, तो द्वितीय परिपथ में एक सेल जोड़ दिया, इस सेल का क्या हुआ प्लस, तो सारे हमेशा पोटेंशियोमीटर में एक ही जगह आते हैं, तो देखो प्लस तो इसका भी एक पर है, इधर से इसका भी एक पर है, प्लस एक जगह आ गया, माइनस में इसमें भी कुंजी आ गया और धारा नियंत्रक जोड़ दिया। अब देखो आप यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी जोड़ी है, तो द्विमार्गी कुंजी में एक सिरा तो किसका चला जाएगा, आपका सेल का माइनस और प्रतिरोध वाला इधर से, और एक सिरा से द्विमार्गी से कौन जुड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन आप भी जानते हो द्विमार्गी कुंजी में तीन सिरे होते हैं, तो तीसरा सिरे के लिए अपन ने क्या किया एक तार को इन दोनों प्रतिरोधों के बीच में से लेकर यहाँ पे बनाया, तो एक्स जेड वाई अपनी क्या बन गई द्विमार्गी कुंजी। अब अपने फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लेंगे और अपन द्विमार्गी कुंजी के एक्स जेड सिरे को में डॉट लगा देंगे, ठीक है। इसमें जैसे डॉट लगाएंगे तो अपन जानते हैं कि हमारी करंट प्रवाहित होते हुए ऐसे आर में से आते हुए ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, ठीक है, मतलब इस स्मॉल आर का उपयोग नहीं होगा, जब आप एक्स जेड में डॉट लगाएंगे तो आपका स्मॉल आर है वो कोई काम में नहीं आएगा, ठीक है। उस स्थिति में हमारे पास कोई संतुलन लंबाई प्राप्त होगी एल वन, तो आपने लिख दिया कि वी इज इक्वल टू एक्स गुणा एल वन, और ओम के नियम से क्या होता है वी बराबर आई गुणा आर, तो I गुणा आर बराबर I गुणा एक्स एल वन, अपने इनको इक्वल रखकर एक समीकरण फर्स्ट बना लिया। सेकेंडरी फिर हमने क्या किया कि इस एक्स जेड में से डॉट निकाली और डॉट किस में लगा दी जेड और वाई में से, अब इसमें लगाते हैं आप जानते होते हो करंट यहाँ से ऐसे प्लस के इन दोनों में से ऐसे करंट ऐसे आते हुए यहाँ से ऐसे गैल्वेनोमीटर में आ जाएगी, मतलब जैसे आप जेड वाई के बीच में डॉट लगाएंगे करंट की वैल्यू है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में से फ्लो होगी, और कैपिटल आर और स्मॉल आर किस में है श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपने को कोई संतुलन लंबाई क्या प्राप्त होगी एल टू, तो अपने क्या कह दिया कि एल टू इज इक्वल टू भाई एक्स गुणा एल टू इज इक्वल टू कोई वी डेस मान लिया,
और ओम के अनुसार वीडीएस की वैल्यू क्या होगी, आई गुणा आर, लेकिन आर अब यहां पर कौन आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का संयोजन, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास दो क्वेश्चन, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो है आई गुणा आर एक्स एल वन फर्स्ट, और सेकेंडरी इक्वेशन आ जाएगी आई आर प्लस स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि करंट दोनों में से फ्लो होगी, दोनों किसमें है श्रेणी क्रम में। और ये अब दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को डिवाइड कर लो, आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी और हमारा उद्देश्य कंप्लीट होता है। ठीक है, ये था अपना अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, किसका यूज करते हुए, पोटेंशियोमीटर। ठीक, अब देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इक्वेशन दिया था, मैंने कहा था विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल कैपिटल एल लंबाई पर संतुलित होता है और दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी ई है उसको प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में संतुलन लंबाई क्या होगी। अब देखो आपको जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर है तो ये प्राथमिक परिपथ अपन ने इसके साथ जोड़ी दिया, प्राथमिक परिपथ तो आप जानते हो परमानेंट होता है अपना, प्राथमिक परिपथ के हो गया, ये कोई ईपी मान लो, ये प्लस माइनस, यहाँ पर कोई धारा नियंत्रक आपने जोड़ दिया, ये आरएच, और ये यहाँ पर आकर किस में जुड़ गए, एपी, ए और बी। पहले क्या था, हमने कहा कि पहले क्या था कि एक सेल जुड़ा हुआ था, ये मान लो कोई ये सेल जुड़ा हुआ था, प्लस माइनस ई मान लिया, ठीक है, ये माइनस वाला सिरा, और ये इस किससे जुड़ा हुआ था, गैल्वेनोमीटर से, पहली कंडीशन में एक था। अब दूसरा क्या किया अपन ने, कहा कि इसी के समांतर क्रम में एक और सेल जोड़ दिया, ये लो भाई जोड़ दो, एक और प्लस माइनस ई इसका, इन दोनों से ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा और अब संतुलन लंबाई अपने को ज्ञात करनी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आप भी जानते हो दोनों सेल किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो आप भी जानते हो समांतर क्रम के अंदर जुड़ने पर विद्युत वाहक बल सेम रहेगा, तो अपन क्या कहेंगे, परिणामी परिणामी विद्युत वाहक बल, वाहक बल ई होगा, मतलब सेम ही रहेगा दोनों का, क्योंकि समांतर में वोल्टेज चेंज थोड़ी होता है, विद्युत वाहक बल ई होगा होगा, अतः ई होगा, अतः संतुलन लंबाई में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई कैपिटल एल ही रहेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी, तो आंसर इसका कौन होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन सुनो आप, आज का क्वेश्चन है वो है किरचॉफ के प्रथम नियम व द्वितीय नियम निम्न पर आधारित है, फर्स्ट आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर, सेकंड धारा तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर, सी द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण नियमों पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, मतलब फर्स्ट कौन है केसीएल, सेकंड कौन है केवीएल, ये दोनों रूल है वो किस पर बेस्ड है, चारों ऑप्शन जो भी सही हो उसका आप आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।